Hi guys, welcome back to my channel and I am back with another very exciting video and today I am vlogging आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बिकॉज आप लोगों को vlogs देखने थे। So अभी ना बहुत ही random ऐसे plan बना that we are going to the mall and हम थोड़ी सी random shopping करके आते हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्या विंटर कलेक्शन आया हुआ है। एंड जिस मॉल हम जा रहे हैं ना वहाँ पे मेरे काम का सिर्फ एक ही ब्रांड है दैट इज़ H&M। उसके अलावा ना वहाँ पे कुछ इतना अच्छा है नहीं। सो मैं जनरली वहाँ पे जब भी जाती हूँ ना तो आई गो फॉर H&M ओनली एंड आई जस्ट वांट टू सी कि ऑफलाइन स्टोर पे क्या कलेक्शन आया हुआ है। एंड थोड़ा सा आपको टूर दे दूंगी कि H&M में क्या कलेक्शन है, क्या प्राइजेस हैं, किस तरीके की चीज़ें आई हुई है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड मैंने ये सोचा कि जब मैं जा ही रही हूँ तो मैं थोड़ा व्लॉग भी कर लेती हूँ बिकॉज आप लोग बोलते भी हो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो। सो अभी मैं तैयार होंगी एंड उसके बाद विल गो टू द मॉल। एंड आपको शायद पीछे आवाज़ आ रही होगी क्योंकि शायद कोई गेस्ट आया हुआ है तो मम्मी उनसे बातें कर रही है। आई एम ऑलमोस्ट रेडी, बस मुझे डिसाइड करना है कि मुझे लिप्स पे क्या लगाना है एंड उसके लिए आई नीड योर हेल्प। सो लेट मी जस्ट शो यू। सो बेसिकली विंटर्स में लिपस्टिक ढूंढना बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है बिकॉज लिपस्टिक का काम ना सिर्फ लिपस्टिक वाला नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉन ड्राइंग ऑल्सो क्योंकि फिर लिप्स बहुत ज़्यादा चैपी हो जाते हैं। सो आई हैव गॉट अ वेरी नाइस रिकमेंडेशन फॉर यू गाइज। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों को बता भी देती हूँ। सो आई हैव गॉट दीज 2 ब्यूटिफुल लिपस्टिक्स फ्रॉम NY Bae। एक एक करके आपको इसका शेड दिखाती हूँ। इनकी सबसे अच्छी खास बात ये है दीज आर परफेक्ट फॉर विंटर्स बिकॉज दीज आर सो मॉइस्चराइजिंग। लेट मी जस्ट शो यू पहले। सो द फर्स्ट शेड आई हैव इज रूबी रैपिड्स एंड दूसरा है चेरी लेक। 10 है उसका शेड। सो इट्स वेरी इजी, ऐसे बुलेट लिपस्टिक्स हैं ये एंड आई लव द पैकेजिंग, बहुत ही ऐसे मैट फिनिश में है। दिस इज हाउ द फर्स्ट शेड लुक्स लाइक। इसका मैं आपको अभी स्वॉच करके भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट जो है ना विच इज दिस, काफ़ी ऐसे जो वाइन रेड नहीं होता बिल्कुल वो वाला है। आई लव इट, लव द शेड, सो प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग एंड क्रीमी फिनिश है एंड दिस इज एनरिच्ड विद विटामिन ई एंड ऑयल्स ऑल्सो। दिस इज क्रूएल्टी फ्री, वीगन है एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आपको फील ही नहीं होगा कि आपने लिप्स पे कुछ लगाया भी है। एंड ऑल्सो आप ना कुछ ऐसे हैक्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कुछ लोगों को ये थोड़ी डार्क लग रही होगी इनके जो शेड्स हैं, मैं भी ज़्यादा डार्क प्रेफर नहीं करती हूँ। सो वॉट यू कैन डू इज अपने लिप्स पे ना आप कंसीलर या फिर थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लो एंड उसके ऊपर फिर ये लगाओगे ना डॉट 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 करके, उसका लाइटर शेड आपको मिल जाएगा। मैं हमेशा यही हैक, मेजरली यही हैक फॉलो करती हूँ अगर मुझे लगता है ना ज़्यादा डार्क हो रही है लिपस्टिक। जैसे कि दिस इज माई फाउंडेशन फ्रॉम शुगर। तो ये जो ब्रश है ना इसको मैं थोड़ा सा ऐसा मैंने कर लिया, एज यू कैन सी अब थोड़े मेरे वाइट हो गए। आई एम यूजिंग दिस वन रूबी रैपिड्स क्योंकि मुझे ज़्यादा भी डार्क लगाना नहीं है। अब मैं इसमें ना सिर्फ ऐसे डॉट डॉट कर लूँगी, अपने फिंगर्स इसको स्प्रेड कर लूँगी। ये मैंने कर लिया स्प्रेड एंड एज यू कैन सी बिल्कुल भी डार्क नहीं लग रहा एंड बिल्कुल ऐसे ना नेचुरल लिप्स का ही शेड लग रहा है एंड आई लव इट। इससे ज़्यादा मैं करूँगी नहीं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड आप अपना ना ऐसे अलग अलग शेड्स क्रिएट कर सकते हो विथ कंसीलर्स एंड एवरीथिंग। सो या आई रियली लाइक दिस लिपस्टिक्स एंड अभी पर्पल पे ना बहुत अच्छी सेल चल रही है। देयर पर्पल शादी सेल 5 नवंबर तक सेल रहेगी, सेल अभी भी चल रही है एंड यू कैन गेट अप टू 50% डिस्काउंट विच इज़ ह्यूज। 50% ऑफ तक आपको अपनी फेवरेट चीज़ें मिल सकती है। सो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी। सो यस, अब मैं ना जल्दी से रेडी होती हूँ, अपने बाल थोड़े अच्छे से बना लूँ एंड आई विल सी यू एट द मॉल। बाय। आई एम रेडी एंड प्लीज़ मेरा रूम मत देखना, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है एज यूजल, आई नो। तो ये मैंने ना H&M से लिया था, आई थिंक 1-2 साल पहले लिया था और अभी सर्दी, मैं स्कूटी से जा रही हूँ ना तो कुछ मुझे वार्म पहनना था, एकदम मस्त है ये। एंड इसके नीचे मैंने ये अर्बैनिक वाली डेनिम्स पहने हुए हैं एंड नीचे मैं पहन लूँगी क्रॉक्स एंड आई एम गुड टू गो। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पसंद आ गई तो ले लूँगी, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं खरीदने वाली हूँ। सो यस, लेट्स गो। यूजुअली मेरे साथ चल रही है से हाई टू माई व्लॉग, से हाई टू माई व्लॉग। नहीं बोलेगी, मैं सीरियस हूँ। मत कर, अपने रियल वॉइस में बात कर। ये मेरी रियल वॉइस नहीं है, बहुत बड़ा है और बहुत महंगा भी है यार। ये 4000 रुपीज़ का है। वाओ दिस इज सो सॉफ्ट। ये देख इसको छू, ये कितना सॉफ्ट है। इसको छू माँ, तो इससे कलर में जैकेट है देख पिंक। तुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है? इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ये। इसका प्राइस भी होगा ना कितना है? कितना है? 4500। बट पता है इसमें बहुत अच्छी सर्दी रुक जाएगी। ओह आई लाइक दिस। बट यार अभी ना सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ यार इट्स वेरी एक्सपेंसिव अभी H&M। पता है इस टाइप के ना रॉम्पर्स अच्छे लगते हैं बट वो लेदर के जो पैंट्स नहीं होते बहुत सही लगता है ये। ओह आई लाइक दिस वन, इट्स वेरी सॉफ्ट। वही मैंने ऐसा अर्बैनिक से लिया था लास्ट ईयर, याद है? अर्बैनिक का शीन का है, सॉरी वो शीन भी सही था यार काफ़ी। मुझे ना टर्टल नेक वाले स्वेटर चाहिए अंदर पहनने के लिए ना, ये अच्छा है। आई थिंक आई कैन बाय दिस वन। अरे जैसे हाई नेक पहना और नीचे स्लिम फिट जीन्स पहने, ऊपर से ये डाल लिया, सुंदर लगता है। एक ये ट्राई करूँ। कितने का है ये? 3000 रुपये का। हद होती है। ये मैंने देखा ऑनलाइन। ओके काफ़ी सारी चीज़ें सेल पर है। दिस फॉर सिर्फ 999। काफ़ी अच्छा मटेरियल है। काफी कलरफुल, वेरी कलरफुल, सब कुछ पिंक। यार ये ले लूँ। हाँ प्रिटी। वैसे मेरे पास अभी ब्लैक कलर का तो है। अरे बहुत प्यारा है। थोड़ा अजीब सा है। जैकेट तो अच्छी है बट पैंट इसकी काफ़ी टाइट है। आई थिंक आई लाइक दिस पैंट्स। थोड़ी सी लूज आई है। एंड आई लाइक दिस वेस्ट एज वेल। और ये हाई नेक तो आई एम फॉर श्योर ये मैं लेने वाली हूँ बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पैंट्स। इसके अंदर यू कैन वेयर योर हाई नेक। सॉफ्ट है, इट्स वेरी सॉफ्ट एंड सेल पे भी है। वाओ आई एम इन लव विद दिस जैकेट, इट्स सो सॉफ्ट। दिल्ली की सर्दियों के लिए एकदम परफेक्ट लग रहा है मुझको ये। रियली लाइक दिस वन। सॉफ्ट, कम्फी, लव द कलर, लव इट, इट्स नाइस, इट्स क्यूट। आई थिंक ये भी अच्छा ही लग रहा है। ये क्या है? कुछ भी। आई लाइक दिस बैग। मुझे ये बहुत क्यूट लग रहा है, पता नहीं क्यों। देखा ये भी अच्छा है वैसे। आई रियली लाइक दिस बैग। कभी और लूँगी आपको मैं। यहाँ पे ना रिसेंटली मिस्टर DIY खुला है। यहाँ थोड़ा पास आना। अरे बहुत पास। अच्छा तो यहाँ पे रिसेंटली मिस्टर DIY खुला है तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है। यहाँ पे ना रिसेंटली मिस्टर DIY खुला है। लोग आ रहे हैं, रुक जाओ। यहाँ पे ना रिसेंटली मिस्टर DIY खुला है। मैंने बहुत सारे लोगों के शॉर्ट्स और रील्स देखे थे। वैसे मैं वहाँ पे ऑलरेडी 1-2 बार जा चुकी हूँ बट इस बार मैं आपको लेके चलती हूँ। शुमु शुमु शे विद भाषा इज दिस। यार बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सो सॉफ्ट एंड ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इट्स जस्ट फॉर 490 बट यहाँ पे 429 लिखा हुआ है। ओके यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट है ये। मेरा स्टूडियो स्पेस बहुत जल्दी रेडी होने वाला है तो यहाँ से मैं पक्का इनमें से कोई ना कोई लेने वाली हूँ। आई नीड वाटर बॉटल। ये नहीं अच्छी, कोई और दिखा। ये वाली अच्छी है, कांच वाली। इससे क्यूट बट कम आएगा। ये ले रही हूँ मैं, एकदम परफेक्ट है। मैं कैसी लग रही हूँ? यार ये पीछे क्या आ रहा है ये? अभी हम लोग आए हैं पिज़्ज़ा हट और एंड अभी हम पिज्ज़ा खाएंगे। बहुत दिनों बाद पिज्ज़ा खाने वाली हूँ मैं। वैसे पिज्ज़ा कब पिज्ज़ा होता है अवन स्टोरी पता नहीं कौन सी स्टोरी। डोमिनोज या पिज्ज़ा हट के अलावा कोई और पिज्ज़ा नहीं होता यार। मेरा कैमरा गंदा है या अब सही है। Hi guys, so I am back। बहुत स्टूपिड लग रही हूँ मैं अभी, बट हम इग्नोर करेंगे इसको। H&M का कलेक्शन वैसे काफी सही आया हुआ है अभी। काफी कलरफुल से स्वेटर्स हैं वहाँ पे एंड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है बिकॉज ऑब्वियसली अभी विंटर्स आ चुके हैं एंड सेल बहुत कम चीजों पे था। बट मैंने ना ज्यादा सामान नहीं लिया बिकॉज ऑफलाइन लेने से बस ये इशू है कि फिर लिंक्स मिलती है नहीं मिलती और मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊंगी। एंड आई एम वर्किंग ऑन विंटर मस्ट हैव्स एंड उसके लिए मैं ऑनलाइन ही चीज़ें खरीद रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं सारी चीज़ों का लिंक भी आप लोगों को दे सकूँ। ऑफलाइन से बस होता है कि लिंक नहीं दे पाती मैं, तो इसलिए मैंने बहुत कम चीज़ें ली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस जैकेट की एंड आई एम इन लव विद दिस जैकेट। आई एम ग्लैड कि मैंने लिया और ये सेल पे नहीं थी, फ्रेश पीस है। मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। सो नाइस। मैं अभी स्कूटी से आई एंड मुझे रत्ती भर ठंड नहीं लगी सच में। इट्स सो नाइस, इट्स सो वार्म एंड दिस इज वर्थ द प्राइस। एंड इसका मुझे लिंक मिलेगा, मैं जरूर डाल दूंगी, आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये मैंने आई थिंक स्मॉल साइज में लिया, यस स्मॉल साइज में लिया। 1499 इसका प्राइस है एंड इसमें पॉकेट्स भी है दोनों साइड पे एज यू कैन सी। और बहुत ही जैसे टेडी बेयर वाला वो नहीं होता मटेरियल, बिल्कुल वैसा है। आई रियली लाइक इट, इट्स सो सॉफ्ट एंड सो वार्म। सो आई वुड रियली रेकमेंड दिस वन। बहुत ही सही है, मेरे पास ऐसा कुछ था भी नहीं। नेक्स्ट मैंने सिर्फ दो चीज़ें और ली है, ये देख लो। दिस इज अ हाई नेक ब्राउन कलर में। हाई नेक्स काफी सही रहते हैं लेयरिंग के लिए। ब्राउन में मेरे पास कोई भी हाई नेक था नहीं एंड दिस वाज ऑन सेल। इसका मटेरियल मुझे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगा, इट्स सो सॉफ्ट एंड क्वालिटी बहुत सही थी। एक्चुअल प्राइस इसका 1299 है बट ये मुझे 999 में पड़ गया, 1000 रुपये का। नेक्स्ट अप आई गॉट दिस कार्डिगन फ्रॉम H&M अगेन। बहुत ही प्यारा कलर है और ये भी सेल पे था इसलिए मैंने ले लिया। मटेरियल इज सो सॉफ्ट एज यू कैन सी एंड अभी सर्दी है ना, बहुत ज़्यादा नहीं आई हुई तो इस वेदर के लिए ना एकदम परफेक्ट है। ये मुझे पड़ा सिर्फ 499 रुपीज़ का एंड इसका एक्चुअल प्राइस इज 800 रुपीज़। तो ये तीन चीज़ें मैंने H&M से ली और मैंने ज़्यादा पैसे नहीं खर्चे वहाँ से बिकॉज आई थिंक इसी वीक मैं सरोजनी भी जाने वाली हूँ एंड आई एम श्योर मुझे वहाँ से बहुत अच्छा स्टफ मिलने वाला है। अगर मुझे कोई भी ऐसे हाई नेक वगैरह चाहिए ना बेसिक तो मैं सारा वहीं से लूंगी, जंपर्स एंड ऑल। तो इसलिए मैंने ज़्यादा पैसे खर्च करना ज़रूर नहीं समझा। नेक्स्ट मैं गई थी मिस्टर DIY एंड वहाँ पे मैंने ज़्यादा शॉपिंग करी नहीं, बहुत रैंडम और बहुत ही कम चीज़ें ली है। तो सबसे पहले आई गॉट दिस लंच बॉक्स फॉर माय ब्रदर, जिसके लिए मुझे आते ही डांट पड़ी है बिकॉज ये प्लास्टिक में है। प्लास्टिक नहीं लाती तो अच्छा होता, बट चलो कोई बात नहीं, कभी कभार के लिए इट्स फाइन। नेक्स्ट अप आई गॉट अ वाटर बॉटल क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। ऐसे वाटर बॉटल होती है ना तो आई थिंक मैं ज़्यादा पानी पीती हूँ ठंडी में, तो स्पेशली मैं बहुत ही कम पानी पीती हूँ, तो मुझे एक बॉटल चाहिए थी। एंड मैंने कॉपर ली बिकॉज मैं काफ़ी टाइम सोच रही थी और काफ़ी सही होता है हेल्थ के लिए भी। एंड इसके साथ एक ग्लास भी आता है सो दैट्स ऑल्सो नाइस। कहीं ट्रैवल कर रहे हो और यू नो गिर जाते हैं ना, इससे पी नहीं पाते तो आप ऐसे ग्लास में भी पी सकते हो। ये मुझे पड़ा था 1899 पड़ा हुआ है बट कुछ तो कम हुआ होगा। ये मुझे पड़ा है, ओह ये मुझे पड़ा सिर्फ 979 रुपीज़ का। एंड द लास्ट थिंग आई गॉट फ्रॉम मिस्टर DIY इज दिस रूम फ्रेशनर। यस मतलब ये ना कहीं पे भी यूज़ कर लो, रूम में रख लो, गाड़ी में रख लो। दिस इज लेमन जेल एयर फ्रेशनर, लेमन फ्लेवर में है। एक्चुअली मेरी नाक भी बंद है अभी बट नाइस खुशबू और इसमें से लेमन खुशबू आएगी। आई थिंक मैं ये पापा को दे दूँगी गाड़ी में रखने के लिए। अरे यार, यस दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। आपको अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे और भी व्लॉग्स करती रहा करूँगी। तो यस, बाय गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।